ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती एक ऐसा रत्न माना गया है जिसका सीधा संबंध मन से है कि लोगों को मोती धारण करना चाहिए और धारण करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। पंडित जी, रत्नों में मोती का काफी महत्व माना गया है, क्या आप जिसको धारण करने की विधि होनी चाहिए और कौन लोग इसको धारण कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय। कहा गया है मोती मोती एक ऐसा रत्न कहा गया है जो समुद्र की गहराइयों में प्राप्त होता है, वो भी सीप के अंदर। सीप एक ऐसा जीव कहा गया है जो बारिश से गिरने वाला जल जो रहता है उसको ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करने के बाद उसके अंदर एक मोती का जन्म होता है। एक ऐसा रत्न कहा गया है कि जिसको पहनने से मानसिक तनाव मन को शांत रखता है तथा जीवन में जो उत्तेजित यानी शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां रहती है जो काम उत्तेजित भी करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को शांत रखने का कार्य भी मोती करता है। और मोती जीवन में प्रगति को भी प्राप्त करवाता है, मगर मोती होना चाहिए शुद्ध और व्यवस्थित, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बहुत सरल जो आजकल लोग फार्मिंग कर रहे हैं मोती की, अपने पास से उठा कर दे देते हैं, जो बहुत सरल मूल्यों में आपको प्राप्त हो जाता है मगर उसका असर जो रहता है प्रॉपर मिल नहीं पाता है, जिसके कारण लोग आजकल ज्योतिषियों से बड़ा गुस्सा भी करते हैं, उनके ऊपर नाराज भी होते हैं कि हमने ये रत्न धारण करा मगर इसका रत्न का असर नहीं मिल रहा है। पूर्व काल में जब आपने देखा होगा राजा महाराजा लोग इतने बड़े बड़े रत्न धारण करते थे, उनके धारण करने का एक ही रीजन होता था क्योंकि वो जिस जगह पर बैठते हैं तो उस पर बैठने के बाद उनको बड़े डिसीजन लेने पड़ते थे। जब व्यक्ति बड़ा डिसीजन लेता है तो उस समय व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत भाव से लिया गया निर्णय हमेशा परिपक्व रहता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन राइट रहता है, तो इसलिए मोती धारण करने का ये लाभ बताया गया है। मोती भगवान चंद्रमा से रिलेटेड कहा गया है, सोम देवता जिसको कहा गया है ओम सोमाय नमः, इस मंत्र के पाठ करके उस मोती को अगर धारण करा जाए तो उसका लाभ अच्छा मिलता है। चंद्रमा के दिन यानी सोमवार के दिन आप इसको मोती को दूध में गंगा जल में अच्छे से पूजन करके चंद्रमा से यानी भगवान शिव का अभिषेक करके उसको जब धारण करेंगे तो उस मोती के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक भी लेकर जाता है, इसलिए मोती को धारण करना चाहिए। और कई ऐसे बच्चे कहे गए हैं जो पढ़ाई में कमजोर रहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी मोती धारण करना अति शुभ कहा गया है। जी,